हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा फ़ोटो फ्रेम का ट्यूटोरियल और शेयर करने वाली हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, ये फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए मैंने इसमें कार्डबोर्ड का यूज़ किया हुआ है। ये कार्डबोर्ड था जिसको कि मैंने राउंड शेप में कट कर लिया था और इसके ऊपर मैंने एक पेपर भी पेस्ट कर लिया था, बट बैक साइड में अभी बचा हुआ है। और इसके ऊपर ही हम फ़ोटो फ्रेम का यूज़ करने वाले हैं। ये जुलेटिन पेपर है और हमें सीज़र की भी इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये है वो फ़ोटो फ्रेम जो कि हम कार्ड बोर्ड पर यूज़ करने वाले हैं। ये कुछ फोम ग्लिटर शीट्स हैं जिसका यूज़ हम करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ़ोटो फ्रेम है जो मैंने एडिट करके इसका फ़ोटो निकलवा लिया था, जिसका कि मैं अब यूज़ करने वाली हूँ। विद द हेल्प ऑफ फेविकोल इसको हम पेस्ट कर लेंगे इस कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर। आप चाहें तो डायरेक्ट कार्डबोर्ड पर भी फेविकोल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम फेविकोल फ़ोटो पर लगा लेंगे बैक साइड से, और उसके बाद हम इसको कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। आप बहुत इजीली इस तरीके के फ़ोटो फ्रेम घर पर बना सकते हैं। और ये एक जुलेटिन पेपर है जिसका कि मैंने यूज़ किया हुआ है फ़ोटो को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये बाद में ख़राब ना हो। और इसको राउंड शेप में मैंने ऑलरेडी कट कर लिया था, जिसको कि मैं अब बैक साइड से फेविकोल के हेल्प से पेस्ट करने वाली हूँ। जिलेटिन को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेना है, ताकि ये बैक साइड से इजीली पेस्ट हो जाए। उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। आप चाहे तो सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका जो जो लेटन पेपर आपने पेस्ट किया हुआ है, ये बाद में निकले ना। तो इस तरीके से हमें सारा जलेटिन पेस्ट कर लेना है बैक साइड में, और आप चाहे तो पीछे से बैक साइड को कवर भी कर सकते हैं, बट मैंने अभी नहीं किया है। और ये मैंने फोम ग्लिटर शीट से कुछ हार्ट शेप कट कर लिए थे, ये ऑलरेडी मैंने कुछ कट करके रखे हुए थे। इसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज़ किया है कुछ, और ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी इनको। उसके बाद जो फोम शीट्स के ग्लिटर हार्ट शेप मैंने कट करके रखे हुए थे, उनको भी मैं अब विद द हेल्प ऑफ फेविकोल सारे पेस्ट कर दूँगी इसके बॉर्डर्स पर, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। जितने भी हार्ट शेप मैंने कट करके रखे हुए थे, वो सारे मैंने इस पर पेस्ट कर दिए हैं। आप अपने साइड से भी कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं, बट जो मेरा आइडिया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। सो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा फ़ोटो फ्रेम वाला आइडिया पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल for more such videos. Thank you.